दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका करंट विद एम में आज आपको जो है डी एच रिलेटेड जो है 2020 में जो बदले गए नाम थे उनके बारे में बताएंगे जो स्थानों के नाम या किसी रेलवे स्टेशन का तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है तो यूपी के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो ये बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है ओके अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एम एच आर मिनिस्ट्र, डी जो मिनिस्ट्री है का नाम बदलकर क्या हो गया है तो ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है ओके अगला है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है तो ये नाना शंकर सेठ के नाम पर जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम रखा गया है किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम स्वतंत्रता सेनानी अश्फाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया तो यूपी के गोरखपुर का जो चिड़ियाघर है उसका नाम रखा गया है ओके okay. अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान एन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है तो अरुण जेटली के नाम पर ये हमारे पूर्व जो है वित्त मंत्री थे जिनका निधन हो गया था ओके okay. तो उन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया है किस शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर कश्मीर का जो सिटी चौक है उसका ओके okay. किस शहर के सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया तो ये जम्मू कश्मीर का ये भी है किस मेट्रो स्टेशन का नाम राजा भोज के नाम पर रखने की घोषणा की गई तो भोपाल मेट्रो जो है उसका नाम ओके okay. दिल्ली के बाबर रोड का क्या नाम हो गया है तो अब हो गया पाँच अगस्त मार्ग ओके okay. विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रख दिया गया है अगला क्वेश्चन है बेगी बुल पुल का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो बोगी बुल जो पुल है इसका अटल सेतु रखा गया है ये कहाँ पे है ये आपके असम में पड़ता है किस नदी में पड़ता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे तो इससे आप तीन क्वेश्चन बना सकते हैं अयोध्या बस स्टॉप का नाम जो है क्या रखा गया है तो अयोध्या धाम रखा गया है ये बस स्टैंड जो पहले का था उसका बदल दिया गया है ओके okay. इलाहाबाद जो जंक्शन है उसका नया नाम क्या हो गया है तो प्रयागराज जंक्शन हो गया है और इलाहाबाद का भी नाम प्रयागराज ही हो गया था ओके okay. प्रयागराज रेलवे स्टेशन का नाम जो है क्या हो गया है तो प्रयागराज संगम हो गया है ये देखिए तीन क्वेश्चन बन गए ओके okay. अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या हो गया है तो ये सुषमा स्वराज बस स्टैंड हो गया है इस ये सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री हैं पहले की ओके अगला क्वेश्चन है कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है ओके अगला है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है अगला है रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो ये अटल सुरंग रख दिया गया है ओके अगला है ये जम्मू कश्मीर में दिल्ली का औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया तो कलाम रोड रख दी गई ओके नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया तो शहीद द्वीप रखा गया है ओके okay. ये आपका अगला है हजरतगंज चौराहा है ये लखनऊ पड़ता है का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो अटल चौक रखा गया है अगला है प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या हो गया है तो सुषमा स्वराज भवन हो गया है अगला है कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद टू कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र अगला है क्वेश्चन रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आर पी एफ का नाम बदलकर क्या रखा गया तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया यानी कि आर पी एफ एस फैजाबाद बस स्टॉप का नया नाम क्या रखा गया तो अयोध्या बस स्टॉप ओके okay. विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है तो हो गया सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान ये सुषमा जी जब एक्सपायर हुई थी मतलब खत्म हुई थी तो उनके सम्मान में रखा गया है अगला क्वेश्चन चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अगला है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो सुंदर भारत रखा गया है स्वच्छ भारत तो के अम्बेसिडर मैंने बताया था वो आप वीडियो जरूर देखिएगा एम्बेसडर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अम्बेसिडर जरूर पूछे जाते हैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग डी का नाम बदलकर क्या हो गया तो डी हो गया है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग एन एस सेवन जीरो थ्री ए ए का नाम बदलकर क्या हो गया है तो गुरु नानक देव जी का नाम हो गया इस पर ओके okay. फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदलकर क्या हो गया ग्लो एंड लवली हो गया है अगला क्वेश्चन कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया दीनदयाल बंदरगाह अगला है चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदला गया है अब क्या हो गया है तो पुराची पुराची तलेवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल ओके okay. ये हो गया बस्ती शहर का नया नाम क्या हो गया तो वरिष्ठ नगर हो गया सुल्तानपुर शहर का नाम जो है क्या हुआ है तो कुसुभ कुश भवनपुर हो गया कुश भवनपुर ओके okay. अगला है। कांग्रेस ने जो है गुरु गोवलकर योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है तो कांग्रेस के जो गुरु गोवलकर योजना है तो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है अगला है नवगढ़ शहर का नया नाम क्या हो गया है तो सिद्धार्थ नगर हो गया है अगला है मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यायाम जो होता है का नया नाम क्या हो गया तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग ओके अगला हो गया आई डी एस ए इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नया नाम क्या हो गया तो हो गया है मनोहर पारिकर जी के नाम पे एन आई एफ एम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नया नाम क्या हो गया है अरुण जेटली के नाम पे ही हो गया है घाघरा नदी का नया नाम क्या है तो अयोध्या नदी वैसे सरयू भी कहते हैं अयोध्या में सरयू कहते हैं ओके okay. अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो बदलाव रखा गया है ओके okay. हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है ओके okay. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें महाराज जोड़ा गया है अगला है राजदीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस दीप रखा गया है अगला है अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रख दिया गया अगला अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो हरिगढ़ रखा गया है मतलब भगवान का जहाँ पे स्थान होता है हरी मतलब भगवान अगला है गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो रखा गया। मतलब मतलब है तो महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट अगला है क्वेश्चन हैवलाक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया तो है तो स्वराज द्वीप रखा गया है ओके झार सुगडा हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रखा गया है okay? ओके शिमला का नाम बदल कर क्या रखा गया तो श्यामला रख दिया गया है साबरमती घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया है नया नाम अटल घाट जो आगरा एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट सॉरी आगरा यहाँ पे हो गया आगरा है कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदल तो कर क्या रखा गया है तो गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट अगला है बरेली एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो नाथ नगरी रखा गया है ओके okay. अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा गया तो ये रखा गया है जो है अटल पथ ओके okay. अटल पथ इसमें देख लीजिएगा हरियाणा के मेवात शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया तो नू ये हरियाणा में पड़ जो है ओके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सी आई पी ई टी का नाम क्या रखा गया तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सी आई पी ई टी रख दिया गया है ओके तो अगला है पठानकोट के चक्की बंक रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया तो इसका हो गया है पठानकोट कैंट ओके वीडियो कैसा लगा बताइएगा कल जो है कुछ और डालेंगे ओके मिलते हैं